जितने भी यहाँ हमारे मीडिया वाले हैं सभी जानना चाहते हैं आपकी शादी के बारे में. ऑलराइट, कब, कहाँ, किस वक्त, कौन है वो, हर एक चीज जानना चाहते हैं. मेरी बात सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हमारे भाई डीजे शहजूर, अगर है डीजे शहजूर, डीजे शहजूर के बिना हर मेरे भाई अधूरा है. कहाँ है हमारे वो मेरे भाई है, उनके साथ मैंने इतना गाने किए हैं. वो रॉक स्टार है, एवरग्रीन है और उनका म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है. और मेरे मित्र यहाँ पे है ईशान और प्रीति, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त है सब लोग. थैंक यू सो मच आप लोग सब, आयुष सब लोग यहाँ पर आए, लव यू. बिल्कुल मेरी शादी हो गई है और मैंने यूके बेस्ड एक एनआरआई से शादी करी है. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मंदाकिनी के, मुझे हमेशा लगा था कि अरे आइटम गर्ल को सब लोग कैसी नज़र से देखते हैं, लेकिन जिस नज़र से मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा है वो तो आप देख ही रहे हो. एंड आई एम इन लव. और 10 दिन में मेरी शादी हुई. आई एम सॉरी मीडिया कि मैंने छुप छुपा के शादी करी, क्योंकि एक ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी कि मेरे हस्बैंड मेरे फैन थे, वो हम लोग व्हाट्सएप पे मिले. धन्यवाद व्हाट्सएप, अगर आप नहीं होता तो आज मेरे मांग में सिंदूर नहीं होता. बिल्कुल व्हाट्सएप पे वो मेरे फैन थे और वो मुझे हमेशा कहते थे हाय हेलो हेलो करते थे. मैंने कहा चलो, रोज एक दिन में कम से कम मुझे 5 से 6 हज़ार मैसेज आते हैं और मैं सबको रिप्लाई भी करती हूँ समटाइम्स. और इनका तो कम से कम 2000 टाइम्स आई लव यू उन्होंने बोला. मैंने कहा हु इज ही, एक्सक्यूज मी. तो उन्होंने कहा मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. और क्या यकीन मानेंगे कि उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मिले, व्हाट्सएप पे ही प्रपोज किया, व्हाट्सएप पे ही शादी करी. मतलब पहले तो व्हाट्सएप पे ही रिंग भेजी, बाद में रियल रिंग तो बाद में आई. सो मैंने 10 डेज में ऐसा कुछ हुआ जो मैं डेफिनेटली आगे जाके बताऊंगी ऐसा क्या हुआ था. बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई. उन्होंने कहा मतलब बिल्कुल घुटने पर आके ऐसे कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे आके कहा कि राखी विल यू मैरी मी. ऐसे उनका नाम है रितेश और the name is Ritesh. और उनका वो मीडिया के सामने इसलिए मैं उनको फोटोज नहीं डालू बिकॉज वो बहुत यूएस यूके में बहुत उनके प्रोटोकॉल है. और मैं ट्रम्प जी के कंपनी में इज द वन ऑफ द वेरी बिग यू नो मैनेजिंग इज वर्क. सो हो गई मेरी शादी एंड आई एम वेरी हैप्पी. मैं अक्टूबर अभी तक हाँ दैट्स एन अमेजिंग न्यूज गाइस. कैन वी प्लीज कांग्रेचुलेट राखी सावंत फॉर हर वेडिंग. एंड मैं अक्टूबर 15 को जा रही हूं हनीमून पे यूके. वो चैलेंज के बारे में बात करते हैं जो भी अभी आपने मेंशन किया. ऐसे बहुत से चैलेंजेस सेलिब्रिटीज करते हैं और भूल जाते हैं. क्या पक्का ऐसे होगा कि 10 लोग आपके साथ वाकई डेट पे जा पाएंगे? डेफिनेटली डेट पे जा पाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे मेरे साथ डेट पे. हाँ मेरे पति को मैं पटा लूंगी. वैसे सबको बता दूं कि मैं शादीशुदा हो गई हूँ अब. शादी मैंने कर ली, लेकिन मेरे पति जो NRI है और आई डोंट थिंक सो कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होगा. मैं उनको कहूंगी भैया मैं डेट कर रही हूँ, आप सामने बैठो. ठीक है, व्हाई नॉट. और वो बहुत ब्रॉड माइंडेड है. या